नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपसे बातचीत करने का मकसद यही है कि जो चीजें हम टीवी पर खबरों के जरिए आपको दिखाते हैं, उस चीज का हम ये समझ सके कि प्रभाव कितना सांसारिक स्तर पर चल रहा है। क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? मुझे लगता है किसी हेडलाइन को देखकर आप इस लाइफ में एंटर कर रहे होंगे। ये सीधे आपके बच्चों से जुड़ा हुआ इसलिए हो जाता है क्योंकि राजधानी भोपाल समेत तमाम ऐसे शहर हैं जहां से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो सीधे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में आपने बाल संरक्षण गृह का एक मामला सुना होगा राजधानी भोपाल में। हालांकि सीधे तौर पर ये पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं था क्योंकि गरीब बच्चों को शिकार बनाया जा रहा था। ऐसे असहाय बच्चों को वहां पर इकट्ठा किया गया था जिनका ब्रेन वॉश आसानी से हो सके, जिनके पास कोई संरक्षण ना हो, जिनका कोई परिवार ना हो। इसी प्रकार का मामला इससे पहले आपने एक स्कूल से जुड़ा हुआ देखा और इसलिए मुझे लगा कि इस चीज को इस प्लेटफॉर्म पर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं, आप ये समझ रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत जरूरी हो गया है। ना सिर्फ फोन्स और स्कूल्स और प्लेग्राउंड और ये तमाम गतिविधियां, इससे उठकर आपको अब समाज को देखने की जरूरत है क्योंकि कई ऐसे दरिंदे जो शिक्षा की आड़ में कट्टरता फैला रहे हैं। मदरसों से आपने ऐसे मामले देखे हैं, बाल संरक्षण गृह की तरफ से आपने ऐसे मामले देखे हैं, गंगा जमुना स्कूल का सिलसिला आपको याद होगा, कुछ ऐसी जगह जहां पर धर्म परिवर्तन का प्रयास हो रहा था, ब्रेन वॉश कर ये बताने का प्रयास हो रहा था कि आपको दूसरे धर्म में एंटर करने की जरूरत क्यों है। आज इस लाइव प्लेटफॉर्म पर हमारे दो सहयोगी और बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक कार्यकर्ता जरूर जुड़ेंगी और वो आपको बताएंगी कि अगर किसी प्रकार की गतिविधि आपके बच्चे के स्कूल में चल रही है अवैध तौर पर, तो आप अपने बच्चे से इसका इनपुट कैसे ले सकते हैं, आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सही हाथों में है। स्कूल अगर वो जा रहा है तो शिक्षा के लिए ही जा रहा है, कहीं स्कूल में उसे शिक्षा की आड़ में कट्टरता तो नहीं सिखाई जा रही, कहीं उस बच्चे का ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा। ये तमाम चीजें हैं जो आज के माता पिता को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब तक जब तक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते तब तक हम आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला। बाल संरक्षण गृह का एक मामला आपको सुनने में आया होगा जरूर भोपाल में, जिसमें बच्चियों को रखा गया था, खासतौर पर उन बच्चियों को जो कि ग्रामीण अंचलों से आती हैं, जो गरीब घरों से आती हैं, जिनके माता पिता ज्यादा सहाय नहीं है, उन बच्चियों को बाल संरक्षण गृह में रखकर विदेशी फंडिंग के जरिए, हालांकि पुख्ता सबूत नहीं है लेकिन इस तार की जांच जरूर की जा रही है कि तार जर्मनी से जुड़े हुए हैं, विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि कैसे ईसाई धर्म आपके लिए जरूरी हो सकता है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि धर्मांतरण का जब जब जिक्र हुआ है तो छत्तीसगढ़ भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। जमकर राजनीति इस मुद्दे पर बहुत होती है, तब ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि आखिर क्या उनके बच्चों के साथ सही व्यवहार स्कूलों में किया जा रहा है। स्कूलों का जिक्र इसलिए आता है कि भले आप ये सोच रहे होंगे कि बाल संरक्षण गृह का मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन स्कूल का मामला तब भी जब गंगा जमुना स्कूल का खुलासा हुआ था, उस स्कूल के पीछे मस्जिद पाई गई, ये पाया गया कि किसी और धर्म का पाठ उन बच्चों को पढ़ाया गया। इसी के साथ जब मदरसों से भी जानकारी सामने आती तब ये पता चलता है कि ब्रेन वॉश किया गया है। और ब्रेन वॉश के इस प्रकार के मामलों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत इसलिए क्योंकि अगर आपका बच्चा मदरसा या स्कूलों में जाता है तब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। हमारे सहयोगी हम आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों से लिंक अप है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके समझिए पूरे देश में अगर इस प्रकार की साजिश अगर चल रही हो तो आप इससे अनजान है और आपके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत भी है। बड़ी बात यह है कि जब मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं तो महज सतना, सीहोर, हरदा, जबलपुर ऐसे छोटे क्षेत्रों से जानकारी सामने नहीं आई, झाबुआ शहडोल यहाँ से नहीं आ रही है, राजधानी भोपाल का ये गैंग पकड़ा जाता है जो धर्म परिवर्तन की सीख ब्रेन वॉश के माध्यम से आपके बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। और मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चों का सवाल है तो आपको भी किसी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दो सहयोगी जुड़ेंगे, वो बताएंगे आपको कि जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, क्या हालात है, जिससे और बेहतर हम समझ पाएंगे कि आखिर क्या भूमिका अदा की जा रही है। खास बात यह भी कि बाल संरक्षण आयोग इसे लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। अगर आप किसी कार्यकर्ता को जानते हो, अगर आपको सामाजिक तौर पर इस बात का ज्ञान हो कि कोई आपकी मदद कर सकता है तो आप सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं बाल संरक्षण आयोग को, क्योंकि अक्सर आपने मामले भी देखे होंगे कि जब स्कूल में जाते हैं तो कलावा उतारा दरवाया जाता है या किसी प्रकार की रोक टोक रहती है या कुछ खास
परिवर्तन अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं तब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझें इस मामले को और ये भी देखें कि स्कूल में भाई जो गतिविधियां चल रही हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये मामला, और चूंकि हम जिक्र इसका भी कर रहे हैं चूंकि राजधानी भोपाल का महज जिक्र नहीं है, अलग अलग जिलों से जब इस प्रकार की सामने जानकारी आने लगे तब आपको भी सतर्क रह जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बड़ी बात यह है कि आप इस चीज को पहले समझें कि स्कूलों में भी इस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। हम आम नागरिक हैं, आम परिवारों के बच्चे शायद ये समझते हैं, आम परिवार के लोग भी शायद ये समझते हैं कि बच्चा अगर जा रहा है स्कूल तो निश्चित तौर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही जा रहा है। लेकिन शिक्षा की आड़ में भी कुछ दरिंदे ऐसे भी जो धर्म परिवर्तन के लिए आपके बच्चों को उकसाएंगे, कट्टरता का पाठ पढ़ाएंगे, और एक दिन जब आप एक बड़ा परिवर्तन अपने बच्चे में देखेंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक वो व्यक्ति आपके बच्चे की मानसिकता को पूरी तरह से खराब कर चुका होगा। साथ ही साथ बहुत जरूरी इंटरेक्शन है। आज के दौर में आपने देखा होगा अगर आप या माता पिता जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनके लिए अपना टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो कई बार बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, फोन पर आपका बच्चा क्या कर रहा है ये आपको भी समझने की जरूरत है। साथ ही साथ डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ही आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे से भी इंटरेक्ट करना शुरू हो और ये आपको बताएं बच्चे की आखिर उनके साथ स्कूल में चल क्या रहा है। हमारे स्विगी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, उनके पास भी हम आपको ले चलेंगे, और खासतौर पर मध्य प्रदेश के मद्देनजर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मद्देनजर भी हमने इसे रखा है, और इसलिए आपको ये बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के हालात हैं। उमेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? उमेश आप चलिए प्रयास करें शायद उनसे बातचीत हो पाए, चूंकि अगर आप ये समझें कि सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ पूरा मामला है तो आप गलत हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर किस प्रकार की गतिविधियां हैं ये आपने बहुत अच्छे से देखी हैं, बहुत अच्छे से समझी हैं, और राजनीति भले ही इस मुद्दे पर हो रही हो लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को कम से कम इससे सिक्योर कर सकें। उमेश सुन पा रहे हैं मुझे? किनारे रुक जी, ये गतिविधियां जिनको लेकर हम चर्चा आज कर रहे हैं उमेश, मध्य प्रदेश का सिलसिला निश्चित ही आपने भी सुना होगा किस प्रकार बाल संरक्षण गृह में कट्टरता का पाठ पढ़ाया गया, गंगा जमुना स्कूल का भी जिक्र, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए समझने की जरूरत क्योंकि धर्म परिवर्तन के तमाम ऐसे केसेस हमने देखे हैं। बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सके, क्या इस प्रकार के मामले छत्तीसगढ़ में भी? देखिए, अगर आपको याद होगा जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव था तो इस दौरान असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा वो यहाँ पर आए हुए थे, उस दौरान उन्होंने बहुत सारी मदरसा को लेकर बातें कही थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि मदरसा को पूरे देश से बंद कर दिया जाना चाहिए और जो तालीम है वो एक जगह सभी जो बच्चे हैं उनको देनी चाहिए। उनका कहीं ना कहीं इस विषय पे जो उनका चर्चा करने का जो मुख्य उद्देश्य मुझे नजर आ रहा था वो यही था कि जिस तरीके से मदरसे में जो बच्चियां होती हैं उनकी शोषण का जो लगातार मामला निकल कर सामने आ रहा है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, ऐसे में उन्होंने इन बातों को लेकर बहुत गहनता से पत्रकारों से चर्चा की थी और उन्होंने इस पर जोर भी दिया था कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, अगर बिलासपुर की बात करूं तो आज से 3-4 साल पहले की भी घटना है, यहाँ पर बिलासपुर में भी एक ऐसे ही मदरसे में एक टीचर जो है मौलाना, उन्होंने एक बच्ची के साथ कुकर्म का आरोप उन पर लगा था। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है, हालांकि मदरसे में जो लोग होते हैं जो तमाम जो सुविधाएं होने की बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसी बातें और ऐसी दावे तो खुलकर सामने की जाती है लेकिन घटनाएं जब निकल कर सामने आती तो पूरे दावों की जो है वो जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के दृष्टि से मदरसे में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं और इसको लेकर कोई बड़ा कदम, वक्फ बोर्ड भी इसको लेकर कई बार दावे करता रहा है कि तमाम जो मदरसे वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, सुरक्षा की दृष्टि से
इसके अलावा जो जो वहाँ पर तालीम दी जाती है वो तालीम की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें कहीं दिखाई नहीं देती। नहीं किया जा सकता कि लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर होती है और औचक निरीक्षण जिस बात की सबसे ज्यादा कमी हम छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं। बने रहेगा हमारे साथ, मध्य प्रदेश का चूंकि हम जिक्र कर रहे थे तो हमारे सीएम प्रशांत कटारे भी आपको नजर आएंगे। प्रशांत, हम भोपाल की घटना का जिक्र कर रहे थे और ना सिर्फ भोपाल की घटना बल्कि गंगा जमुना स्कूल का भी सिलसिला आपको याद होगा। बच्चों पर केंद्रित आज का ये लाइव सेशन है, आप अगर ये देखें कि आयोग अगर कदम नहीं उठा रहा है, माता पिता को अपने स्तर पर सजग रहने की जरूरत है, तो कैसे सजग रहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माता पिता को सजग रहना ही है। बहुत सारे बच्चे मिसिंग थे, 26 बच्चे मिसिंग थे, लेकिन उसमें दो तीन बातें जरूर होंगी। दरअसल माता पिता को ही ये भरोसा दिलाया गया था कि यहाँ पर उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर पढ़ाई हो पाएगी और उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के भरोसा भरोसे में लेकर इसके बाद बच्चों को वहां ले जाया गया था। जिस परवलिया से करीब 26 बच्चियां गायब हो गई थी। दूसरा ये बता दें कि जो बच्चियां थी वो बेहद ही निम्न परिवारों से थी, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, इन परिवारों को ये भरोसा मिला। तो हमने जब परिजनों से बात की तो उनका साफ कहना था कि भाई बच्चे गलत संगति में जा रहे थे, नशा आदि में वो इन्वॉल्व हो गए थे, इस वजह से उन्हें ये बेहतर ऑप्शन लगा। लेकिन दूसरी बात यही है रंजिता की, जहां पर ऐसे ही भरोसे में लेने के बाद बच्चों का धीरे धीरे माइंड वॉश कराया जाता है, माइंड वॉश कराने के बाद एक बार एक स्थिति ऐसी आती है कि आप वाकई उसमें पूरे तरीके से रम जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि कब आपका धर्म परिवर्तन हो चुका है, आप दूसरी धर्म की प्रार्थनाओं में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने लगते हैं। और ये बात यहाँ पर परवलिया जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं वो रहा था। इससे पहले बैतूल का भी मामला सामने आया था धर्म परिवर्तन का, यहाँ भी मामला सामने आया और यहाँ भी ये लोकल स्तर पर एक्शन नहीं था, ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का एक्शन था, जिसने जब ये जांच की तब जाकर ये हकीकत सामने आई। दूसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसी संस्थाएं अमूमन ऐसी जगह चलती जहां बहुत जल्दी ट्रेस ना कर पाए। जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं वो भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर परवलिया के दूर एक गांव में स्थित थी, जहां सामान्य तौर पर कोई आता जाता नहीं था, अवैध चल रहा था, जो नींव है हम कहें कि बिल्कुल अवैध तरीके से रखी गई थी, बिल्कुल यानी संचालन अवैध तरीके से हो रहा था, लेकिन करोड़ों की बिल्डिंग थी। ये फंड आया कहां से? ये फंड विदेशी फंडिंग, जिसके स्तर पर अब पुलिस जांच भी कर रही है, हो सकता है दूसरी जो एजेंसियां हैं उनसे भी जांच कराई जाए, क्योंकि विदेशी पूंजी का या विदेशी फंडिंग का मामला जुड़ गया है। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये जरूर हमें समझना होगा, स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर बिशप होते हैं या बड़े जो मिशनरियों की संस्थाएं होती हैं उससे जो मिशनरी स्कूल होते हैं जुड़े होते हैं, मोटी मोटी फीस वो वसूलते हैं। हमारे आपके बच्चे रिलेशन के बच्चे भी उन मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जो फीस वसूली जाती है क्या इसकी कभी जांच पड़ताल हुई क्या कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल संचालन पर कितना इस्तेमाल हो रहा है? अगर आप इसका कैलकुलेशन लगाएंगे, इस पर गहन जांच करेंगे तो शायद 10-20% 25% तक जो कलेक्शन हो रहा है वो स्कूल में टीचरों की सैलरी पर, संचालन पर, बाकी चीजों पर हो रहा है, बाकी 70% पैसा है वो जा कहां रहा है। तो वो दरअसल ऐसे ही धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के मामलों में यूज होता है। ऐसी संस्थाएं जिनके लिए जो छुपे या हम कहें कि इंटीरियर इलाकों पर जाके संचालित करती हैं, चाहे वो आचल बालिका छात्रावास जैसी स्थिति हो या दूसरे ऐसे इसी तरह के स्कूल, और इनके जरिए धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन्हें पैसा दिया जाता है, पैसे का लोभ भी हम ये कहें इनडायरेक्टली होता है। तो अंशिका माफ कीजिएगा अवंतिका, ये बहुत सारे पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर परिवार वालों का बहुत महत्वपूर्ण व्यू होगा। अगर अगर वो इस चीजें समझे कि भाई उनके बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है, दिशा कौन सी दी जा रही है, अगर वो ये समझ गए तो शायद ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। धर्मांतरण दो तरह से, एक तो जैसा कि मदरसों का जिक्र होता है, दूसरा ये मिशनरी संस्थाओं का, मदरसों में या फिर मुस्लिम वहां भी अमूमन माइंड वॉश किया जाता है, लेकिन यहाँ बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली और आपको एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई कब धर्मांतरण हो चुका है। परिवार के साथ साथ समाज में सोशल लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि भाई के जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं अगर ऐसी स्थिति में नजर नहीं आ रहे। इस मामले में जिसका जिक्र बार बार उठा परवलिया का, इसमें एक और जो दूसरी लाइन आई थी अवंतिका वो ये थी कि जो गरीब परिवारों से बच्चे वहां रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे
जो मिशनरीज के अफसर हैं उनके यहाँ पर उन्हें एज अ काम करने के तौर पर या छोटे मोटे काम के तौर पर उन्हें लगाया गया है। उनका पैसा इन परिवारों को भी पहुंचता था, मिलता था, और उन परिवारों के लिए 500 से 1000 महीने पहुंच रहा है, तो आप समझिए उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर ऐसे में बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जाती हैं जो लॉन्ग टर्म में लंबे स्तर पर नासूर बनती हुई नजर आती है। प्रशांत, एक और चीज जिस पर मैं चाहूंगी कि आप बात करिए, बहुत इजी टारगेट होते हैं बच्चे, धीरे धीरे कर परिवार को आगोश में लेने के लिए बच्चों का माध्यम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, देखिए दो तीन बातें, एक तो परिवार भी उसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, उसे लगता है कि भाई अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा हो जाएगी, अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, रहना हो जाएगा, तो बच्चों के लिए क्या दिक्कत है। और बच्चे कोमल मन, आप उसको बहुत जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, माइंड वॉश कर सकते हैं। और जब उस स्थिति में अगर आप माइंड वॉश करेंगे, मतलब ये समझिए कि एक पीढ़ी धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ गई या धर्म परिवर्तन उसका हो गया। बल्कि हम ये कहें कि जो लोग धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं, फादर अनिल मैथ्यू जिसका जिक्र पूरे मामले में आया था, वो भी अगर बहुत पीछे आप जाएंगे, कुछ दशक पीछे जाएंगे, तो वो भी कन्वर्शन से ही आए हुए लोग हैं। आप बहुत सारे सरने में ऐसे देखेंगे, पाल देखेंगे, पॉल देखेंगे, तो पाल से पॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे सरने में ये सारे कन्वर्शन। और आज स्थिति ये है कि वो ही उस कन्वर्शन में लगे हुए हैं, धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं, और सॉफ्ट टारगेट बच्चे होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक नहीं है, और जल्दी आप उनका माइंड परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार वाले सजग रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर इस स्थिति से बचा जा सकता है। दूसरा ये कि हम सवाल तो बहुत उठाते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए फिर हमें सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर भी व्यवस्थाएं करनी होगी। भाई अगर ऐसे परिवारों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा, बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो शायद ये स्थिति नहीं बनेगी, तो मिशनरी धर्म परिवर्तन करा लेते हैं या बच्चों को माइंड वॉश कर लेते हैं, इसी टारगेट बच्चों को रखते हैं, इस स्थिति से बहुत हद तक बचा जा सकेगा। थोड़ा सा हमें भी सजग रहना होगा, सरकार को भी इस स्तर पर सोचना होगा, विचार करना होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा प्रशांत, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जिसमें आपने सोल्यूशन भी बता दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का प्रशांत। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा प्रशांत कचारी और उमेश मौर्य हमारे दो सहयोगी जो ये बता रहे थे कि किस प्रकार आप इस चीज से बच सकते हैं, कैसे पार पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब आपको ये हाई टाइम आ चुका है जब आपको अपने स्तर पर सजग रहने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ इस लाइव सेशन में इतना ही। लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और अलग अलग मुद्दों को लेकर लाइव सेशन करते हुए आपको मैं दिखूंगी यूट्यूब और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर। लगातार जुड़े रहेगा न्यूज 18 के साथ।